हेलो ग्रीन, नमस्कार। मैं हुसराज, प्रॉपर्टी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी जो आरबीआई बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो होम लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई किया हुआ है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका हुआ है। सो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले बेल आइकन वो भी प्रेस करके आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुका हुआ है। सो बहुत सारे पहले जो 6.50 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे थे, अभी उसमें 0.5 के ऊपर से बढ़ चुका है। बीच में भी कुछ बड़े हुए थे तो अभी तो और 0.5 बढ़ चुका हुआ है इसमें। तो आप लोगों को मैं पूरी डिटेल्स इसमें बताऊंगा। देखिए अभी कैसा है कि यहाँ पे जो नेशनल बैंक थे, जो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, बहुत सारे सब बैंक है नेशनल बैंक, तो सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुके हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो 5 बैंक है तो उसमें बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुके हुए। सबसे पहले आपको HDFC का था, HDFC बैंक में देखते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाएंगे तो 7.052 लेके 7.75 तक गया, बढ़ चुका हुआ है। जो स्लैप वाइज रखा हुआ है उसमें, जो जैसे सिबिल का रहेगा वैसे इसके हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है करेंटली। अभी जो ICICI बैंक देख रहे थे, ICICI का सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, 8.60 में रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8.60 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ चुका है। उसमें बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुका है ICICI बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे तो वो भी उसमें आपको 7.40 के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। PNB देखें 7.40 ही है, PNB बैंक का भी, बैंक ऑफ इंडिया भी देखेंगे तो 7.75 है। तो ऐसे सारे बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुके हुए हैं। अभी मेन मुद्दा आता था है आपका जो EMI चल रहा है, जो पहले ऑलरेडी होम लोन लिया हुआ है और उसका जो 6.50 से आपको मिला है, 6.75 से मिला या 7% से आपको जो मिला है, तो उसका आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका हुआ है। तो इफेक्ट आता है आपका सबसे पहले आपके EMI के ऊपर, जो EMI आपका था वो EMI से बढ़ चुका है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने 30 लाख का लोन लिया हुआ है, उसका लोन जो EMI आ रहा था पहले एक्चुअली 23,259 का आ रहा था, जो पहले EMI आ रहा था आपको, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के आपको इज 24,907 तक जाता है, 24,907, मतलब आपको डिफरेंस कितना आ गया, 1,648, मतलब 1,648 का आपको इसमें डिफरेंस आ गया है। तो बहुत सारे जगह में अलग अलग बैंकिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो आपको EMI के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका EMI, जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अमाउंट EMI के अंदर जो है। सो यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी करेंटली अभी आप कहीं भी परचेस करते हैं प्रॉपर्टीज और होम लोन में जाते हैं आप, सो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो करेंटली चलेगा जो बैंक का, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा करेंटली। हाँ, इनकेस फ्यूचर में कभी कम हुआ तो आपका EMI में उसमें भी कम हो जाएगा, बट अभी जो करेंटली चल रहा है तो वो आपको करेंटली आपको EMI के ऊपर और प्लस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा उसके अंदर। सो आप लोगों को यही वीडियो में बताना चाहता हूँ। आप लोगों को पहले ही न्यूज़ मिल गया होगा एक्चुअली, मैं बहुत जिस दिन न्यूज़ मेरे पास आया था उसी दिन एक्चुअली वीडियो होने वाला था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया आप लोगों से पूरी डिटेल्स बताने की। तो आज लोगों आपको EMI के बारे में और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया है। सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब में जो बेल आइकन वो भी प्रेस करके आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।